ये हमारे पास आ रही है फिबुला, ठीक है। फिबुला का एक हमारे पास तीन बॉर्डर्स होते हैं, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये हमारे पास होता है मीडियल बॉर्डर या इंटरोशियस बॉर्डर। इसकी तीन सर्फेसेज होती हैं, वन इज द लैटरल सर्फेस जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान है, एक होती है हमारे पास मीडियल सर्फेस जो कि होती है एंटीरियर और इंटरोशियस के दरमियान, एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस जो कि इंटरोशियस और पोस्टीरियर के दरमियान होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी मसल अटैचमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये मैं एनाटॉमिकली पकड़ी हुई है, ठीक है। दिस इज द मीडियल सर्फेस विच इज बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द इंटरोशियस बॉर्डर के दरमियान हमारे पास आ रही है मीडियल सर्फेस, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास तीन मसल्स लगते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक होता है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, और एक होता है हमारे पास पेरोनियस टर्शियस मसल, ठीक है। अब ये आ रही है हमारे पास मीडियल सर्फेस, ठीक है। इसे हमने डिवाइड कर दिया, एक अपर वन फोर्थ पार्ट, ठीक है, एक मिडल टू फोर्थ पार्ट और एक लोअर वन फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब ये जो अपर वन फोर्थ पार्ट है, दिस गिव्स अटैचमेंट, ये पूरा का पूरा जो अपर वन फोर्थ पार्ट है, दिस गिव्स अटैचमेंट टू द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। मगर ये तो हमारे पास आ रही है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की अपर वन फोर्थ में अटैचमेंट, मगर जो मिडल टू फोर्थ पार्ट है उसे हमने डिवाइड कर देते हैं, ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये हमारे पास होता है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। और हमारे पास एंटीरियर पार्ट के ऊपर हमारे पास लगता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की अटैचमेंट फ्रॉम द अपर वन फोर्थ एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल टू फोर्थ पार्ट ऑफ द मीडियल सर्फेस ऑफ द फिबुला। मगर जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल टू फोर्थ है उसके ऊपर हमारे पास लगता है मसल जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। और जो लोअर वन फोर्थ पार्ट है उसके ऊपर हमारे पास लगता है पेरोनियस टर्शियस मसल, ठीक हो गया। ये हमारी कंप्लीट होगी मीडियल सर्फेस जिसके तीन मसल्स हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं लैटरल सर्फेस के ऊपर। लैटरल सर्फेस के ऊपर हमारे पास हम तीन हिस्सों में डिवाइड करें, एक अपर वन थर्ड है, एक मिडल वन थर्ड है, एक लोअर वन थर्ड, ठीक हो गया। अब हमने ये कहना दो मसल्स होते हैं, एक होता है पेरोनियस लॉन्गस मसल और एक होता है हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस मसल, ठीक है। अब जो पेरोनियस लॉन्गस मसल है वो हमारे पास शुरू होता है फ्रॉम द अपर वन थर्ड के ऊपर, पूरा का पूरा अटैच है, ठीक है। मगर जो मिडल वन थर्ड है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास लग रहा है पेरोनियस लॉन्गस मसल। हम ये कह सकते हैं कि पेरोनियस लॉन्गस इज अटैच्ड ऑन द अपर वन थर्ड पार्ट के ऊपर तो पूरा पूरा, मगर जो मिडल वन थर्ड पार्ट है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर लग रहा है। और जो पेरोनियस ब्रेविस मसल है वो हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल वन थर्ड पे भी लग रहा है और लोअर वन थर्ड के ऊपर भी लग रहा है हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस मसल, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर हमारे पास भी मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सोलियस मसल है, और हमारे पास आ रहा है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल है, और एक आता है टिबियालिस पोस्टीरियर। हमने कहा था कि ये हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर यहाँ करके हमारे पास होती है एक मीडियल क्रेस्ट। अब ये मैंने पकड़ा है एनाटॉमिकली, ठीक है, ये एनाटॉमिकली पकड़ा हुआ। अब मैं इसे, ये हमारे पास था पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर और दिस वन इज द इंटरोशियस बॉर्डर। अब इसी को मैंने उल्टा कर दिया, ये हमारे पास आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर और ये हमारे पास आ रहा है इंटरोशियस बॉर्डर। ये हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। पोस्टीरियर सर्फेस का ये हमारे पास आ रहा था मीडियल क्रेस्ट, इन बिटवीन द मीडियल क्रेस्ट एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास अपर वन फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास लग रहा था सोलियस मसल, ठीक है। और जो लोअर थ्री फोर्थ पार्ट है वहाँ हमारे पास लग रहा है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल, ठीक है। मीडियल क्रेस्ट और हमारे पास जो मीडियल बॉर्डर है या इंटरोशियस बॉर्डर उसके दरमियान हमारे पास लग रहा है यहाँ करके टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस वी हैव थ्री मसल्स, सोलियस मसल अटैचेस ऑन द अपर वन फोर्थ पार्ट एंड द लोअर थ्री फोर्थ पार्ट गिव्स अटैचमेंट टू द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल, और ये हमारे पास मीडियल क्रेस्ट और मिडल बॉर्डर के दरमियान हमारे पास आ रहा है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। ये हमारी तीनों सर्फेसेस कंप्लीट हो गई हैं। अब अगर हम बात करें हेड के ऊपर हमारे पास आ रहा है, ये होती थी हमारे पास एपेक्स या स्टाइलेट पोसेस, ठीक है। ये हमारे पास लैटरल साइड है, एंटीरियर लैटरली देख रहे हैं कि ये एंटीरियर भी है और लैटरली भी है, तो एंटीरियर लैटरल एक स्लोप बन रही है। यहां करके हमारे पास सी शेप अटैचमेंट होती है ऑफ द बाइसेप फेमोरस मसल, और इसी सी शेप्ड कहते हैं, सी शेप्ड अटैचमेंट के अंदर हमारे पास आ रहा है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ रही है फिबुला, ठीक है। इसकी अगर हम लिगामेंट अटैचमेंट्स, ये एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर के अंदर हमारे पास ऑल द वे टू द एंटीरियर बॉर्डर, ये जहाँ स्प्लिट आउट करने से पहले पहले हमारे पास लग रहा है एंटीरियर इंटर मस्कुलर सेप्टम एंटीरियर बॉर्डर में, ठीक है। मगर जो हमारे पास आता है हमारे पास ये पोस्टीरियर बॉर्डर, उस पोस्टीरियर इंटर मस्कुलर सेप्टम, और जो हमारे पास आ रहा है इंटरोशियस बॉर्डर, वहाँ हमारे पास लगती है इंटरोशियस मेम्ब्रेन। सारे इंटरोशियस बॉर्डर के ऊपर हमारे पास लग रही होती है इंटरोशियस मेम्ब्रेन, बट अपर पार्ट के अंदर एक गैप होता है और एक लोअर पार्ट में गैप होता है। अपर पार्ट के अंदर से हमारे पास गुजर रही होती हैं एंटीरियर टिबियल वेसल्स, एंटीरियर टिबियल वेसल्स हमारे पास अपर पार्ट के गैप में से गुजर रही होती हैं, और जो हमारे पास लोअर पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ करके एक गैप आता है उसी मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ से गुजर रही होती है परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ द पेरोनियल आर्टरी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास बात। अब हम अगर बात करें, ये हमारे पास था एंटीरियर बॉर्डर जहाँ हमारे पास लग रहा था एंटीरियर इंटर मस्कुलर सेप्टम, ठीक है। अब ये मैंने पकड़ी हुई है एनाटॉमिकली, ठीक हो गया। इसके जो लैटर एक तरीके से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसके एंटीरियरली हमारे पास लग रहा होता है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, और जो पोस्टीरियरली लाइन आ रही है उसके हमारे पास लग रहा है सुपीरियर
फिर पेरोनियल रेटिनाकुलम, ठीक हो गया। और अब हम अगर बात करें क्या कहते हैं ऑन द मीडियल सर्फेस, मीडियल सर्फेस के ऊपर हमारे पास ये ट्राइंगल आ रहा है, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास लग रहा है एंटीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास आ रहा है पोस्टीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट, और मिडिल के अंदर हमारे पास आ रहा है इंटरोशियस टिबियो फिबुलर या मिडिल टिबियो फिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ठीक है, ये एनाटॉमिकली पकड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल साइड थी और ये हमारे पास एंटीरियर थी, ठीक है। अब यहाँ करके हमने ये तो बात कर ली थी सारे टिबियो फिबुलर की, तो यहाँ रिलेटेड बात थी, ठीक है। मगर जो टैलो फिबुलर है वो हमारे पास यहाँ लगता है हमारे पास एंटीरियर टैलो फिबुलर लिगामेंट, ठीक हो गया। और एंटीरियर टैलो फिबुलर लिगामेंट यहाँ लग रहा है, यहाँ हमारे पास लग रहा है इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियो फिबुलर लिगामेंट, और यहाँ बिलो द पोस्टीरियर टैलो टैलो फिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये जो एंड है ना इन्फीरियर बॉर्डर कह दो या इन्फीरियर सर्फेस के ऊपर हमारे पास कैल्केनो फिबुलर लिगामेंट, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, कैल्केनो फिबुलर लिगामेंट लग रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर जो हमारे पास एक ग्रूव थी, यहाँ से हमारे पास गुजर रहे थे द पेरोनियस लॉन्गस एंड द पेरोनियस ब्रेविस। ये बात याद रखनी है कि पेरोनियस ब्रेविस डीप होता है और पेरोनियस लॉन्गस जो होता है हमारे पास वो सुपरफिशियल होता है, एंड दिस इज द फिनिश।